करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सफिया खाला मौजूद है। सफिया खाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है मातृभूमि टीवी पर। और आज आप कोर्ट रूम में मौजूद थी, तो आप मुझे बताइए आज आपके सामने कोर्ट में क्या हुआ है। मैं आज कोर्ट में मौजूद थी। पहले एक्चुअली जो हमारा कोर्ट जो था 40 नंबर सेकंड फ्लोर पे, वो जज का अभी ट्रांसफ़र हो गया है और जज का अभी तबादला हो गया है। तो अभी कोर्ट नंबर 54 में हम लोग का नए कोर्ट जज के हाथ में केस था। तो अभी जज देखिए सुने और सामने वाले के वकील को डांटी देके बिठाए, बोले ऑलरेडी पहले लोग का जो है मीटर वो हो जाएगा, बोले आपको बैठ जाओ बोल के आदमी कचरी को बिठा दिए। अब उनको स्टडी देने के लिए करने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, तो उन्हें 13 दिसंबर की तारीख दी है जज साहब ने। लेकिन इंशाल्लाह हमारे एडवोकेट जो है वो बोले हम कोशिश करेंगे जल्दी डेट मिले, तो आप भी दुआ करो जल्दी डेट मिले तो और अच्छा है, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट में तो हमारे हक में फैसला है। सामने वाले और चाल चल रहे हैं, जब हम लोग इंटरव्यू देते हैं तो दलाल बोलते हैं, अरे जो दलाल बोलता है जो बोलते हैं पैसे मिलते, तो आप लोग भी आओ ना हमारे साथ में मेहनत करो, जब मालूम पड़ता है कि आपको क्या मिलता और क्या नहीं मिलता। हम हक के ऊपर हैं और अभी तक हक पे लड़ेंगे। नवेरा पर अगर नहीं भी देंगे पैसा तो हम लोग कभी ज़िंदगी में उनके ऊपर कंप्लेंट नहीं करेंगे, क्योंकि शर्म आना मांगता है। एक औरत होकर औरत उनके ऊपर उंगली उठाती है, औरत होकर हमारी औरत के ऊपर है ना, यानी बेकसूर औरत को तुम लोग उसको कसूरवार ठहराते हैं, हर स्टेट स्टेट घुमाते हैं। इसके लिए दुनिया में इस्लाम जो जानता है ना, तो पहली बात उसके ऊपर कंप्लेंट नहीं देंगे। हाँ, और अभी मैं क्या बोलूँ, बोलते वो बाहर नहीं आना चाहती, वो खुद रहना चाहती। अरे तो कौन ऐसी औरत चाहेंगे जो अपने परिवार को छोड़ के कालकोठरी में रहेंगी, ये सोचो ज़रा। हम लोग अनाज खाते घास नहीं खाते, ज़रा अक्कल है हम सबको। हाँ, ये बात करें तो हम लोग दलाल हो जाते हैं, जो दलाल होता है ना वो खुद दलाल बोलते हैं। मिश्रा जी के ऊपर धरने में बैठे तरह तरह की उंगलियाँ उठाए, नुमान कुरैशी दुबई गया उसके ऊपर बोले आपा के पैसे से गया। अरे तुम लोग खुद दलाल है, ये दलालों के वजह से आज 25 लाख मुसलमान बर्बाद होके उनके घर में क्या खाने को खाना नहीं है। हाँ, बच्चों की फीस नहीं भरी गई, कितने लड़कियों की शादी होकर तारीख टूट गई। हाँ, कितने बीमारों को दवा नहीं मिल रही, भीख मांगने की नौबत आ गई। फिर बोलते हम लोग को कि दलाल है, जो बोलने वाला खुद दलाल है, इसलिए आप बीते दूसरे को बोलता है। हाँ, और अभी मैं तो ये नहीं बोलूँगी, आप लोग सब्र करो, बस आप लोग अल्लाह से दुआ करो, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा जब तक कुछ भी नहीं होता। हम कितनी भी दुआ करो कितनी भी नमाज़ पढ़ो, अल्लाह के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह की मसलियत जो होंगी जब भी आप बाहर आएंगी हमको सब्र करना पड़ेगा। अगर जो नहीं सब्र करते, जो उनको करना है करो। अभी तक हमने सबको समझा के रोके, लेकिन आप नहीं समझाते। चलो अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सफिया खाला। जी हेलो, ये आज़मगढ़ से। हाँ, इधर पहले अब आप जोर में। जी आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम शबा। जी चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है मातृभूमि टीवी पर। और आज आप कोर्ट में मौजूद थी, तो कुछ बताइए जरा, लोग जानना चाहते हैं आपसे। देखिए भाई, मैं कर्नाटक से आई हूँ और मैं इस बार पहली बार आई हूँ, और मैं ये सोच कर नहीं आई हूँ कि मेरे पैसे लगे हुए हैं, मैं ये सोच कर आई हूँ कि मैं आपा को सपोर्ट करूँ, एक औरत को सपोर्ट करूँ, मैं औरत को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। पहली बात तो मैं ये चाहती हूँ कि पैसे को बाजू में रख कर पहले ये सोचे कि एक मुसलमान औरत जो हम मुसलमानों की मदद के लिए जो वो बिज़नेस चला रही है और जिसका वो हमको हलाल प्रॉफिट दे रही है, तो वो हलाल प्रॉफिट से जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे फैमिली को जो फ़ायदा पहुंच रहा है, तो उस औरत की हम मदद करें जब वो परेशानी में हो। पहले उसको बाहर निकालने की कोशिश करें, उसके बाद आपा से पैसों का हिसाब हम बाद में करेंगे। और वो ऐसी औरत है नेक और ईमान पे चलने वाली कि वो किसी का पैसा रोकेंगी नहीं, और हमें पूरा यकीन है कि हमारा पैसा हमको मिल जाएगा। पैसे की हमको ज़रा भी फिक्र नहीं, हम ये चाहते हैं कि मेरी तरह, जैसे मैं इतनी दूर से आई हूँ, एक और भी लेडी है जो बहुत दूर से आई हैं, इस तरह से और भी औरतें औरत का सपोर्ट करने के हिसाब से कोर्ट में आया करें। अगर आपके शौहर काम पे जाते हैं, आपके बेटे काम पे जाते हैं, आपके हस्बैंड काम पे जाते हैं, तो आप लेडीज़ लोग कभी कभार तो कोर्ट में आकर अपना एक ये बताइए कि हम आपा के सपोर्ट में हैं, एक औरत के सपोर्ट में है, हम चाहते हैं कि आपा बाहर आए और आपा की मदद करने के इरादे से आए हैं, ये एटलीस्ट जाहिर करें, मैं ये चाहती हूँ। और पैसों की कोई भी फिक्र नहीं करें, पैसा आपको हर किसी को बराबर मिलेगा, भले देर से मिलेगा लेकिन पैसा सबका मिलेगा। जी अपन जी, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जैसे तारीख पे तारीख वाला जुमला ये लोग बोलते हैं, लेकिन तारीख पे तारीख वाला गेम खुद खेलते रहते हैं हमेशा, एक नया नया तरीका हमेशा ढूंढ लेते हैं। तारीख तो
ज़्यादा वही लोग रहे हैं ना, तारीख उन्हीं की वजह से बढ़ रही है जो कंप्लेंट कर रहे हैं, कुछ नए नए फितने पैदा कर रहे हैं, इसकी वजह से कोर्ट में तारीख बढ़ रही है। अगर वो लोग भी चाहते हैं कि उनके पैसे जल्द से जल्द मिले, जिस तरह से उनको पैसों की ज़रूरत है, हमको भी पैसों की ज़रूरत है, हर एक इन्वेस्टर को पैसे की ज़रूरत है, उनकी वजह से सारे लोग रखड़े हुए हैं। अगर वो लोग हेल्प करेंगे, वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर तो रहने तो बाजू में, अगर वो सिर्फ आके सही बात पे सही लोगों का साथ देने के लिए भी खड़े हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली फैसला जल्दी हो जाएगा और सारों के पैसे टाइम पर और जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेरी गुड। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम फरजाना खान है, मैं यूपी आजमगढ़ से आई हूँ नौरा शेख मैडम को सपोर्ट करने के लिए। जी जी जी। सबसे पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आपकी तारीफ में कुछ के मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि आप आजमगढ़ से चल करके और आप बम्बई, आप बॉम्बे हाई कोर्ट में आप आ गई हैं, तो आपको जो है मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आपकी हिम्मत को सल्यूट करना चाहता हूँ कि आप एक महिला होकर एक महिला की मदद में आप खड़ी हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आज आप पहली बार कोर्ट में आई हैं, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया आपको इसमें मातृभूमि टीवी के माध्यम से आपको सुन पा रही है। आज आपने कोर्ट में जो एक्टिविटीज़ देखी उसके बारे में कुछ बताइए। और दूसरी बात, जो लोग अपने घर में बैठ करके न्यूज़ देखते हैं और कभी कभी उनके दिमाग में ऐसा आता है कि ये तारीख पे तारीख ऐसी मिलती है, तो लीगल टीम ने जो काम किया उसके बारे में कुछ बताइए लोगों। हमारी लीगल टीम काफ़ी अच्छी है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने आर्गूमेंट किया और हमारी तमन्ना शेख मैडम ने बहुत अच्छी आर्गूमेंट किया और हमारे जो एंटी वकील हैं वो जो है केस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और घुमाने फिराने की कोशिश कर रहे थे जज महोदय को, लेकिन तमन्ना शेख मैडम ने बहुत अच्छी आर्गूमेंट किया और हमारे केस का जो रिजल्ट अच्छी सिमट की तरफ रवा रवा है और 13 दिसंबर डेट मिली है, इंशाल्लाह 13 दिसंबर को अच्छी न्यूज़ मिलेगी हम लोगों को। और सबसे बड़ा सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि हमारी आपा जल्द से जल्द बाहर आ जाएगी, जिसको कि हम महिलाएं सपोर्ट कर रहे हैं और अल्लाह से दिन रात दुआएं कर रहे हैं कि हमारी आपा बाहर आ जाए और हमारे घर का चूल्हा चौका चलना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारी आपा हम गरीबों की खर्च चला रही थी, बच्चों की शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई सब कुछ आपा कर रही थी। आपा को इन लोगों ने अपनी ज़ाती दुश्मनी के लिए, जिनको असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं लोग, उनका असली नाम मैंने रखा है वहशी दरिंदा। उस वहशी दरिंदे से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा जो कि मेरी आपा जो है वो हलाल तिजारत कर रही थी और तू सूदी कारोबार कर रहा था, तो तुझे जलने की क्या ज़रूरत थी? तू सामने से बात करना, तुझे लोग मुसलमानों का रहबर समझती हैं? नहीं नहीं नहीं, तू तो वहशी दरिंदा है, तेरा अच्छा नाम। और तूने अपनी औकात देखा क्या? अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं बेटा, तू कान खोल के सुन ले। असदुद्दीन ओवैसी, मैं फरजाना खान मुंबई आ चुकी हूँ और बहुत जल्द हैदराबाद आऊँगी और तुझसे बात करूँगी कि नौहरा शेख का कसूर क्या है? क्या किसी गरीब को पैसा ने इंसाफ दिलाना, खर्चा चलाना, पढ़ाना लिखाना, बेवाओं और यतीमों को अपने साथ लेके चलना यही कसूर है? नहीं 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 नहीं, असदुद्दीन ओवैसी, ये शहबाज खान, ये यूनुस सैयद, ये तेरे पाले हुए कुत्ते हैं। तू हड्डी डालता है और वो लोग खाते हैं और खा के भोंकते रहते हैं। अब फरजाना खान मुंबई में आ गई है, मैं देखती हूँ नौरा शेख का, मेरी नौरा शेख जिसको 25 लाख लोग फॉलो करते हैं, और मैं फरजाना खान अब मैं नौरा शेख का खुद केस हैंडल करूँगी और तमन्ना शेख मैडम और जितने भी हमारी लीगल टीम है बहुत अच्छी है, माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैंने अपनी आँखों से देखा कोर्ट रूम में बैठ के और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। मैं घर बैठे सुना करती थी कि लीगल टीम अच्छी नहीं, लीगल टीम काम नहीं करती, ये दलाल वो दलाल वो दलाल। यूनुस सैयद बेटा, अब तो मैं तेरी खबर लूँगी, फरजाना खान है मेरा नाम, यूपी आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
और फराना आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है मात्र टीवी पे। आ जाओ आप लोग। आपका एक वीडियो चैनल पे आया था तो तुरंत अगले घंटे लाइव आकर भाई जान ने कह दिया था तो नौकरानी बता दिया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे गलत नाम न देते हुए एक खादिम का नाम दिया। मैं तो अपने आप को बहुत प्राउड फील करी कि ऐसे खानदान वाले लोग जो अल्लाह के रसूल को फॉलो करके 25 लाख मुसलमानों का घर चला रहे थे उस घर के खादिम का दर्जा दिया गया, मेरे लिए खुशी की बात है। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है कि ये बोलने से मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मेरे तो खुश नसीबी होगी कि मैं उन लोग की कुछ खिदमत कर सकूँगी, मुझे उससे इन लोग के बोलने से करने से कोई डर नहीं है। मैं उस इंसान को ये पूछना चाहती हूँ कि बार बार वीडियो में आके ये धमकी दे रहा है कि जो नई कंप्लेंट किए उसके पूरे पैसे डूब गए, तो तुम होते कौन हो? मैं उनसे ये सवाल पूछने वाली हूँ कि अल्लाह के हक में जो भी है हर चीज़ रिस्क देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तो तुम्हारे ये बोलने से कि हमारा पैसा डूब गया क्यों डूबेगा? जब हम लोग अल्लाह के रसूल को फॉलो करते हुए हमारा जो पैसा है वो इंटरेस्ट में न लगा के हमने हलाल बिजनेस में लगाए तो उसकी जिम्मेदारी अल्लाह की है, क्योंकि हमारी नीयत तो कोई गलत थी नहीं कि हम कोई गलत नीयत से उसमें अमाउंट लगाए, तो हमारा पैसा क्यों डूबेगा? ये जो भी पब्लिक मेंबर्स को भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो इसके बातों में बहकावे में मत आइए, इंशाल्लाह ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ अभी वापस केस नॉर्मल होने पे कगार पे इसलिए लोगों को उकसा के पैसे दिलाना है। आज तक कौन से कंप्लेनर को पैसा मिला कोई एक लिस्ट जारी कर दीजिए तो हम भी कंप्लेन करने तैयार है, लेकिन कंप्लेन करने से कोई मसला हल नहीं होने वाला है, वो एकदम क्लियर है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी सब सही हो जाएगा। पूरे मेंबर से गुजारिश करती हूँ इसकी बातों में मत आइए। अभी रोज का डेली एक वीडियो बनाना उसका नहीं आ रहा इसके बाद। बस सिर्फ कंप्लेन करो, कंप्लेन पर क्यों करे कंप्लेन? कंप्लेन करने से आज तक मसला हल नहीं हुआ, 14 महीने होने आ रहा है, आज तक मसला हल नहीं हो रहा है और मसले को खराब करना ऐसा है तो आप कंप्लेनरों के जो मैन रहता है वो फिर वो आके आर्ग्यूमेंट करो इसे खत्म करो, लेकिन नहीं उन लोग को पैसा दिलाना ही नहीं है और हमारे पैसे की फिक्र करना छोड़ दो। 99% जो हम खामोश है ना और नॉन कंप्लेनर उसका तुम टेंशन मत रहो, तुम तुम्हारी कंप्लेनरों को 180 डेज में जो दिलाने का वादा किए ना उसके पर कायम रहो। बस और कुछ मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं मेम्बर्स को भी बोलती हूँ इंशाल्लाह जल्दी ये मसले हल हो जाएंगे। मेम्बर से रहिए, साथ रहिए। आज बहुत खुशी हुई कोई कर्नाटक से कोई आजमगढ़ से आपा को सपोर्ट करने आ रहे, ऐसे लोग आते रहिए। एक औरत जात के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए हक के लिए आवाज़ उठाते रहिए। और हमको जो दलाल बोल रहे ये बोल रहे हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी बोलने से हमको नहीं, हमको मालूम है हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ हक का साथ देने आ रहे हैं। नवेरा पर तरकारी बेचती थी या खादी में तो मेहनत करते हाँ? तुम लोग जैसे हराम तो नहीं करते ना, औरतों की दलाली करते पैसा कमाते, हम तो मेहनत का पैसा कमाते, खादिम भी अपनी खिदमत करके पैसा कमाते। नवेरा पर तरकारी बेच के इतने रुझू पे हुए तो तुम लोग को शर्म आना मांगता, एक औरत जाति की न्यूज पे आ गई और तुम लोग उसका हौसला बढ़ाने का तो तुम लोग उसको नाम रखते, जैसा तुम लोग नाम भर देना वो दूसरे को समझते, तुम लोग है ना औरतों के भार खाने वाले, जो मेहनत करता ना तुम लोग को वो भी नहीं देखा जाता। और दलाल बोलते दलाल तो तुम लोग एक नंबर के, ना तुम लोग इन्वेस्टर है ना कुछ है, तो तुम लोग को दलाली करने के लिए कौन इन्वेस्टर ने बोला? चलो अभी हम आपा के साथ में 99% खड़े हुए हैं, अभी अगर हर तारीख पे तारीख मिली तो अभी पूरे लेडीज जेंट्स मिलके रोड के ऊपर आ जाएंगे। बस बहुत हो गया, बहुत हमारे माशर में बहुत से बच्चे बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, स्कूल की फीस नहीं भरे जा रही, बेटियों की शादी की दवाओं को पैसा नहीं है, किसके घर में एक टेप खाते दोनों सब जो प्रॉब्लम हो रही है ये उसका जिम्मेदार दूसरों को बताते हैं, अपने आप को साफ बनते हैं। वसुद्दीन अवैसी है, शैतान खाने है, ये झिंगोरे जो ये लोग एक नंबर के दलाल है, आज तक दलाली करते आ रहे और वो शैतान ने बोला कोरट के बाहर खड़े करके कि जो 30 तारीख को रामपली हैदराबाद कोरट में थी तो मैंने खुद देखी, आओ आओ केस करो पैसा नहीं मिलता, तुम्हारी आपा बाहर नहीं आती, ऐसे लोगों को भड़का रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसकी बातों में नहीं आया और बल्कि और हेल्प करने और हेल्प करने के लिए लोग आ रहे हैं। पैसे हमारे हैं, हम हमारे पैसे लेने के लिए हमारी आपा को मदद करने आ रहे हैं, हमारी आपा बाहर आएगी हमारे पैसे। ये लोग को TRP चाहिए, ये लोग को मुसलमान कैसे हो? वो लोग होते हैं जिनके पैसे नहीं लगे हुए, वो जबरदस्ती का बीच में कूद के अपना नाम करने के लिए हो गई। अब इन लोग को जूता चाहिए, झिंगो यहाँ से पूरा फैमिली लेके हैदराबाद चले गया, भारत की तरक्की में सर्विस कर रहे क्योंकि दलाली कर करके सब शर्मिंदा हो गया। वो ये लोग दलाल दलाल बोलते तो आप बेचारा मेहनत की रोटी कमा रहा, चलो अल्लाह उसको तरक्की दे उसकी कमाई में बरकत दे, हम तो ये दुआ करेंगे। वो कंप्लेनर परेशान कर रहे हैं, भाग के अपने हाँ वही ये थी सफिया खाला थी फराना आपा जाना आपा सब लोगों ने अभ्यर्थी साथियों। देखिए 13 दिसंबर को जो तारीख मिली है
उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी बुलाया गया है और उनके सामने ही पूरा केस का जजमेंट सुनाया जाएगा। तो ये कोर्ट का प्रोसीजर है, कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है, जो लोग देश का कानून और देश का संविधान मानते हैं उनको ये फॉलो करना होता है। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही से लेता हूँ विदा, तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। खुदा हाफिज़।